सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व में एक पुलिस चौकी को आत्मघाती हमले से उड़ाने की नाकाम कोशिश करने वाले 5 आतंकवादी पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए, इसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतीय मूल के निवासी लगातार अहम पद हासिल करते जा रहे हैं। इस बार उन्होंने राज शाह पर भरोसा करते हुए उन्हें संचार टीम में जगह दी है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक 73% पीओके के लोग पीओके में पाक सरकार का दखल नहीं चाहते। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने वहां पर तहलका मचा दिया है। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हलीमा याकूब, चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि हालांकि यह एक आरक्षित चुनाव था, लेकिन मैं आरक्षित राष्ट्रपति नहीं हूँ। काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बम से उड़ा लिया, जिसमें एक पुलिस समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हैं। चीन और रूस ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि वो यूएन में आतंकवाद को पनाह देने के आरोप में किसी भी तरह के प्रतिबंध की मंशा रखने वाले अमेरिकी कदम का वीटो करेंगे। भारत का दुश्मन और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ब्रिटेन सरकार ने यह कदम उठाया है। संपत्ति की कुल कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। अमेरिका के वॉशिंगटन के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं 3 अन्य लोग जख्मी हैं। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। कैरेबियाई द्वीप में तूफान इरमा ने तबाही मचा रखी है। 100 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को बचा लिया गया है। वहीं भारतीय सरकार ने एक स्पेशल फ्लाइट भी भेजा है। ओलंपिक गेम्स के दीवानों के लिए खुशखबरी, ओलंपिक समिति के मुताबिक 2024 में ओलंपिक गेम पेरिस में होंगे और वहीं 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। आज ग्लोबल न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।